ओके ओके ठीक है भाई, शाम 6 बजे तक बैले डांस का ट्रुप यहाँ हाजिर हो जाएगा। अरे वाह अंकल, मजा आ जाएगा। लक्ष्मी आंटी को भी बता देती हूँ मैं। बड़ी जल्दी है तुझे बताने की पगली। अरे वो देख, नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तरुण को कहीं देखा नहीं तो? लेकिन तुम दोनों तो साथ में ही थे ना? क्या बताऊं, था तो मेरे साथ ही, पर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। बोला बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। आंटी, कहीं जीजू अमीषा के कमरे में दोबारा जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अमीषा के कमरे में? बहुत उतावला हो रहा है, शाम तक का इंतजार नहीं कर सकता। वाओ अमीषा, ये वाली ज्वेलरी ना तेरे कॉस्ट्यूम पे बहुत प्यारी लगेगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? कितनी ओल्ड फैशन है, देख तो। ये इसकी नहीं, इसकी मम्मी की ज्वेलरी लग रही है। पागल हो गई क्या? अरे वो वाली देखना। वो वाली देखना। थैंक यू सो मच। आज मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो ऑब्वियसली एज एन इवेंट मैनेजर मुझे तो अपना बेस्ट देना होगा ना। रियली ट्रीना, तुम्हें जितनी बार थैंक्स बोलूं उतना ही कम होगा। सचमुच ट्रीना, इस शादी में तुमने हमारा एक बेटे की तरह साथ दिया है। सच मम्मी, ट्रीना की वजह से मुझे अपने भाई की कमी भी नहीं खली। अरे आप लोग तो, सब लोग इतने इमोशनल हो गए। आंटी, मैं भी तो आप ही के घर से हूँ ना, अब आप लोग मुझे ये सब बोल के रुलाओ। अरे मेरा बच्चा, बस कर पगली, रुलाएगी क्या, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ला मैं ठीक कर दूँ। मैं भी। मम्मा मुझे भी हाथ चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी कौन आया? मैं देखती हूँ। जा। अच्छा चलो ये सब ठीक कर लो। जीजू आप? हाय, क्या हुआ? आप अंदर नहीं आ सकते। मैं अंदर नहीं जा सकता? क्यों नहीं आ सकते आप? तरुण, अच्छा तो ये बात है, इससे मिलने आऊंगा, अभी मजा चखाती हूँ उसे। अरे काजल क्या कर रही है? चुप। अरे ऐसे कैसे? मेरी शादी है, मैं नहीं आ सकता? कैसी बात कर रही हो तुम? बिल्कुल बोला मत। अरे नहीं नहीं, एक मिनट अमीषा। स्नेहा, तुमने इन लोगों को अंदर कैसे आने दिया? अंदर कैसे आने दिया मतलब? अरे भाई, तुम्हारी लड़की की मेरे दोस्त से शादी होने वाली है तो थोड़ा तो देखना पड़ेगा ना। मिस्टर दूल्हे राजा और उनके प्यारे दोस्त, आप सारे रस्म और रिवाज भूल गए हैं क्या? कौन से रस्म और रिवाज यार? यही कि आप शादी से पहले दुल्हन को नहीं देख सकते। नीचे नीचे कर। यार शादी से पहले 1000 बार देख चुका हूँ, अब ये सब रस्म और रिवाज से क्या होता है? अमीषा यार तुम्हें कुछ बोलो ना। कोई अमीषा अमीषा नहीं बोलेगी, हमारे यहाँ रस्म है तो है बस। हाँ, शादी के बाद ही मिल सकते हो। चलो अब जाओ। यार समझने की कोशिश करो, बेचारा तरुण अमीषा को सिर्फ हाय कहना चाहता है। हाय हाय। अमीषा को सिर्फ हाय कहना चाहता है। सो मिस्टर बेचारे, आप शाम को हाय कहना, अभी के लिए बाय। अरे ऐसे कैसे? अमीषा बाय करो, देखो बाय करिए। बाय। चलो 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 चलो, इन लोगों को लेके जाओ। चलो ऐसे चलो। अरे क्या है? चलो। अरे 2 मिनट। अरे अरे चलो। ये कोई तरीका है लड़के वालों को उसको ऐसे धक्के मार के निकालता? यार तुझे लड़के वालों की पड़ी है, यहाँ दूल्हे को धक्का दिया जा रहा है। हमारे यहाँ ना एक और रसम है, दूल्हा भगाओ रसम। चलो बाय चीजू। आखिर तुम दोनों ने उनको भगा ही दिया ना। आंटी वो दोनों इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाले, मैं अच्छे से जानती हूँ तरुण को, देखना अभी दोनों फिर से आएंगे। देखो अगर वो फिर से आए ना तो प्लीज उसे थोड़ी सी बात कर लेने देना। और
ओए होए, आग तो दोनों तरफ लगी है। दुल्हन भी बहुत बेताब है दूल्हे से मिलने के लिए। आंटी, हाँ? वैसे ना आपको मुझे एक महंगा सा गिफ्ट देना चाहिए। हेलो, वो क्यों भला? और सिर्फ हाँ? तुझे ही क्यों? और तूने ऐसे कौन से तीर मार लिए है? हाँ बिल्कुल मारा है। अमीशा और तरुण को मिलवाया तो मैंने ही था ना, और देखो बात शादी तक पहुँच गयी। देखो काजल, तुमने तो सिर्फ इन दोनों को आपस में मिलवाया है, प्यार तो इन दोनों को खुद से हुआ है ना? हाँ, और वैसे भी इन दोनों को तो पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था, है ना? अच्छा, है ना? इसका मतलब मेरा कोई क्रेडिट नहीं? अरे मैं दूंगी ना तुझे गिफ्ट, सच्ची? आंटी, उसे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, और वैसे भी जब दुल्हन और दुल्हा राजी तो क्या करेगा काजी। मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार। अरे वाह, कल तक तो तुमने काम करने से मना कर दिया था, आज अचानक से रेडी कैसे हो गए? देखिए मैडम, आपको अपना काम कराना है या नहीं? कब शुरू कर रहे हो? आज, अभी। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे इस काम के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, और वो भी काम से पहले। क्या तुम होश में तो हो ना? इतने से काम के लिए 3 लाख रुपए? जी मैडम, और वो भी अभी। मैं अभी इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैडम वो आप जानिए, मुझे बस पैसे चाहिए। देखो तुम आज काम कर लेना, पैसे मैं कल दे दूंगी। नहीं मैडम, पहले पैसे फिर काम। ठीक है, तुम यहीं पर रुको। मैडम कहाँ रह गई थी तू? मेरी शादी वाले दिन तुझे लेट आना था ना। तू जानती है ना ऑफिस में कितना काम होता है। तू और तेरा काम। आज के दिन छुट्टी नहीं ले सकती थी। अच्छा ना, बेटी तो बेटी, आप भी ऐसे करो बस, दोनों लड़ते रहो मुझसे। बिल्कुल हक बनता है, काम कितने हैं यहाँ पर। अब आ गई ना, सारा काम मिलके कर लेंगे। काम खत्म होने की बात कहती है। अच्छा वो दिखाओ। ये देख, प्यारा है ना? वाओ अमेजिंग। अरे कहाँ चली गई थी तू, और इतनी परेशान क्यों लग रही है? नहीं आंटी, एक्चुअली वो डेकोरेशन का थोड़ा काम बाकी था ना, वही करने चली गई थी। अच्छा, अरे हाँ याद आया, मैं अभी आती हूँ। हाँ ओ यार, मुझे अभी याद आया, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मेलिटा, ये देख। हाँ देखती हूँ। कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। बहुत सुंदर है। वाह,
क्या हुआ? मेरा पर्स ढूंढ रही हूँ आंटी, उसमें सब सामान रखा था ना, वही ढूंढ रही हूँ। मैं मदद कर दूँ? नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ढूंढ लूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा वो देखो। हाँ ना, क्या हुआ? हाँ दिस वन, अरे इस बक्से का हार कहाँ गया? यही तो था। हाँ अभी थोड़ी देर पहले तो था। हे भगवान, ढूंढो जल्दी, तू ये पकड़ पहले। आंटी टेंशन मत लो, मिल जाएगा। ये सारा सामान उठाओ यहाँ से, देखो सामान के नीचे होगा। नीचे देख बेटा, किसी और डब्बे में तो नहीं रख दिया ना? नहीं बेटा, हर बक्सा अलग है। हेलो, हाँ हाँ बस अभी आ रही हूँ। ओके ओके, या कहाँ गया? इसके नीचे देखते हैं। अच्छा उधर देखो, उस साइड। अरे वो रहा। थैंक गॉड, ये हार यहाँ रखा था, वहां कैसे चला गया? मम्मा अभी मिल गया ना, जस्ट चिल। काजल सबके लिए कॉफी ऑर्डर कर देना। हाँ हाँ मैडम, कुछ और भी चाहिए? नहीं नहीं बस, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। ये रहे 3 लाख। अब आधे घंटे के अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए। आपका काम हो चुका है मैडम। ग्रेट। एक बात पूछूं मैडम, इतने छोटे से काम के लिए आपने मुझे 3 लाख रुपए दे दिए, आप कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना? तुम्हें मैंने इतने सारे पैसे सवाल पूछने के लिए नहीं दिए, समझे? अपनी औकात में रहो, लाओ मुझे वो चीज दे दो। औकात की बात मत कीजिए मैडम, आपसे तो अच्छी औकात है मेरी। मैडम कॉफी रख दीजिए, हम लोग बना लेंगे। मम्मा कॉफी? मम्मा आप पहले यहाँ आइए, साथ में कॉफी पीते हैं। अभी आई। मेलिटा आगे कॉफी पी लो बेटा। नहीं आंटी मुझे नहीं पीनी, आप लोग पीजिए ना। आपने तरुण को कहीं देखा? नहीं तो, लेकिन तुम दोनों तो साथ में ही थे ना। ये देखिए, ये चोट काफी बड़ी और गहरी है, ऐसा लगता है ये कहीं टकरा कर नीचे गिरी और शायद इसी चोट की वजह से इसकी मौत हुई है। एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या देखा, ये कहां और कैसे गिरी? हमने ट्रीना की चीख सुनी, हमने देखा कि ट्रीना छत से नीचे गिर रही है। कोई और भी था क्या ऊपर टेरेस पे? नहीं सर, हमने तो किसी को नहीं देखा और ऊपर। ये ट्रीना टेरेस पे क्या करने गई थी? सर हम कुछ नहीं जानते। अच्छा टेरेस पे भी शादी का कोई फंक्शन होने वाला था या किसी फंक्शन की तैयारी? जी नहीं सर, सारे फंक्शंस बॉलरूम और लॉन में होने थे।
टेरेस पर जाने की कोई वजह नहीं थी। सर, इस शादी की ऑर्गेनाइजर ट्रीना ही थी, इसके लिए वो काफी भागदौड़ भी कर रही थी, पर पता नहीं वो छत पे क्यों गई। कोई ना कोई वजह तो रही होगी टेरेस पे जाने की। सर, आपको क्या लगता है ट्रीना ने आत्महत्या की है क्या? क्यों, खुदकुशी करने की कोई वजह थी उसके पास? नहीं सर, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अच्छा, ट्रीना की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई किसी बात को लेकर अनबन? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ट्रीना बहुत प्यारी सी लड़की थी। आखिरी बार आप लोगों ने ट्रीना को कब और कहां देखा था? अमीषा के कमरे में ही थी, उसके बाद बस। रेडी, लाश को फॉरेंसिक भिजवाने का इंतजाम करो, तब तक हम लोग टेरेस पे चेक करते हैं। यस सर। सर, अगर आप लोग कहें तो हम अमीषा को उसके कमरे में ले जाए। ठीक है, लेकिन जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती, आप में से कोई भी होटल से बाहर नहीं जाएगा। जो ट्रीना यहां से नीचे गिरी, खून यहां पे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत डाउन सी हो रही है। एक काम करो ना, तुम अंदर कमरे में आराम कर लो। नहीं, वहां बेड पे सब बिखरा पड़ा है, वहां मैं नहीं सो सकती। अमीषा, तुम थोड़ी देर यही सोफे पर आराम कर लो। नहीं मामा, कैसे, यहां सब कॉफी बिखरी पड़ी है और यहां सब लोग आते जाते रहेंगे। नहीं, I'm disturbed, Mom. I just want to be alone for some time. अमीषा, तुम एक काम करो, तुम बगल वाले कमरे में आराम कर लो, वो खाली है, वहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं चाबी लेकर आता हूँ अभी मैनेजर से। ठीक है, तुम वहां थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं इस कमरे की सफाई करवाती हूँ। जी। ट्रीना को चोट लगी है सर के पीछे, इसका मतलब वो ऐसे ऐसे यहां से नीचे गई। शेर जरा खड़ा होना यहाँ पे। मतलब ट्रीना इस दीवार के पीट करके खड़ी थी और किसी ने यहां से उसे ऐसे धक्का दिया होगा और इसीलिए वो पीछे गई, उसका सर टकराया और वो नीचे गिर गई। सर, इसका मतलब ट्रीना का खून है? हाँ, ये बात तो पक्की है कि सुसाइड नहीं है। सर, अगर ट्रीना का खून हुआ है तो फिर ये खूनी कौन हो सकता है जिसने ट्रीना को उसी के फ्रेंड की शादी के फंक्शन में मार दिया? कोई ऐसा आदमी जिसे पता था कि ट्रीना यहाँ छत पे अकेली है। आप रेडी? क्या? ये देखिए सर, कारपेट के नीचे खून पड़ा है। किसने देखा ये? सर, इस वेटर ने, ये इस कमरे की सफाई कर रहा था।
सर मैं फर्श पे गिरी कॉफी साफ कर रहा था, तभी सफाई करते वक्त मैंने कारपेट उठाकर देखा तो नीचे खून था सर। और सर वैसे भी कारपेट यहाँ पर नहीं होती, वहाँ पर होती है। सर मैंने कुछ नहीं किया, सच करो सर। कमरा किसका ये? जी मेरी बेटी अमीषा का कमरा, वो कॉफी गिर गई थी यहाँ पर धक्का लग के तो उसने कमरा चेंज करवा लिया। नाइस। आंटी, आंटी वो ट्रीना। ट्रीना को क्या हुआ? आंटी वो मर गई। क्या? क्या? रेडी पूर्वी, कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, देखो कहीं खून या कुछ और मिलता है क्या। सब हटे। ये जमीन पे खून पड़ा हुआ, ये आपको पता नहीं था? जी नहीं सर, वो ट्रीना की मौत की खबर सुनते ही हम लोग सब यहाँ से बाहर भाग गए थे, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। सर यहाँ पे और कहीं भी खून नहीं पड़ा है। सर खून का कहीं निशान नहीं। उन्होंने शायद यहाँ पे किसी पे हमला किया था और इस कारपेट से खून को छुपाने की कोशिश की है। इस कमरे में कौन कौन था जब आप लोग यहाँ से बाहर गए? जी मैं, मेरी बेटी अमीषा और मिलीटा। सर आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कमाल है, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पे एक लड़की का खून हुआ है और शायद किसी पे हमला भी, पर यहाँ किसी ने कुछ देखा नहीं। कोई बात नहीं, आपकी बेटी अमीषा कौन से कमरे में? क्या मेरे कमरे में भी खून? मतलब किसी और को भी चोट लगी है? सब सही, सब क्या हो रहा है? अमीषा जब तुम लोग उस कमरे में थे, तुम, तुम्हारी मम्मी, मेलिता, तब क्या तुम तीनों के अलावा उस वक्त कोई और भी था? नहीं मैम, जब तक हम वहां थे तब तक उस कमरे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी जाने के बाद कुछ हुआ हो तो पता नहीं। अच्छा, जब आप अपने कमरे से इस कमरे की तरफ आई तो आपने किसी को बाहर देखा, किसी पे शक हुआ हो आपको? सर खून, सर मर चुके। स्नेहा मेरी बहन। अमीषा संभालो अपने आप को। मेरी शादी के दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन की मौत हो गई, कैसे संभालूं मैं अपने आप को? सर इसके सर पे मार के दे। सब आस पे खून लगा हुआ, लगता है स्नेहा को इसी से मारा गया है। सर ये वास मेरी वो वाले कमरे में था। ये वास उस कमरे में था? जी सर। इसका मतलब है खूनी ने इस वास से स्नेहा के सर पे मारा उस कमरे में, जिसकी वजह से वो खून वहाँ कारपेट के नीचे गिरा हुआ था, उसके बाद उसकी लाश को यहाँ इस कमरे में लाकर छुपा दिया। सर, सर मेरे उस कमरे से 3 लाख रुपए गायब है। क्या? कैसे? स्नेहा? मैम क्या हुआ मेरी बच्ची को? मम्मी स्नेहा को भी किसी ने मार दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मैम पहले ये बताइए कि आपने पैसे रखे कहाँ थे? कबर्ड में। सब 5 लाख रुपए रखे थे, अब सब 2 लाख रुपए है, 3 लाख गायब है। सर 3 लाख रुपए गायब होना और ये खून, कहीं ये आपस में जुड़े हुए तो नहीं? कुछ कह नहीं सकते पंकज,
अलमारी में 5 लाख रुपए थे, पर चोर ने सिर्फ 3 लाख रुपए चुरा है। बाकी के 2 लाख रुपए उसने क्यों छोड़ दिए? या तो ये हो सकता है कि उस चोर को सिर्फ 3 लाख की जरूरत थी, या फिर वो चोर घर का ही कोई आदमी है जो इस खून को चोरी की शक्ल देना चाहता है। उस चोर ने स्नेहा को उस कमरे में मारा और फिर यहाँ इस कमरे में लाके छुपा दिया। इसका मतलब है वो दोनों कमरे में गया था। ये दोनों कमरों की चाबी किसके पास है? उस कमरे की चाबी मेरे पास ही थी, क्योंकि उसमें जेवर और पैसे रखे हुए थे। और इस कमरे की चाबी? इस कमरे की चाबी अभी 15 मिनट पहले ही हमें मैनेजर ने दी। उससे पहले हमने ये कमरा इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये सर, खूनी के पास दोनों कमरों की चाबियां आई कहां से? अब ये तो मैनेजर ही बताएगा। सर, सारे दरवाजे एक ही चाबी से खुलते हैं, दैट इज मास्टर की। मास्टर की कहां रखते हैं? हमारे रिसेप्शन के ड्रॉवर में सर। और ड्रॉवर लॉक्ड होता है? यस सर, उसकी चाबी है मेरे पास। दिखाइए। जी। अरे, चाबी तो यहाँ नहीं है, चाबी कहाँ गई? मुझे नहीं पता सर। ये मास्टर की इस ड्रॉवर में रखते हैं, किस किस को मालूम है? हमारे स्टाफ को। पूरे स्टाफ को यहाँ बुलाइए, पूछिए उनसे किसके पास है मास्टर की। जल्दी। सर, कुछ देर पहले जब मैं वॉशरूम के लिए गया था तब गिरीश यहाँ से गुजरा था। गिरीश यहाँ आया? यस सर। एक मिनट, ये गिरीश कौन है? हमारा वेटर है, मैं बुलाता हूँ उसे। प्लीज। सुनो, गिरीश को जल्दी से रिसेप्शन में भेजो। चला गया? कब? अच्छा, ठीक है, ओके। सर, वो अभी किसी काम से बाहर निकला है। वाह रे वाह, उसने मास्टर की चुराई, ट्रीना और स्नेहा का खून किया और चला गया। सर, गिरीश हमारे साथ काफी लंबे समय से काम कर रहा है, अच्छा लड़का है सर। वो कितना अच्छा लड़का है हम पता लगा लेंगे। आप सर उसका नंबर दीजिए। भैया, ये लोग मुझे अपने घर में रख लेंगे ना? अरे रख लेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? इनको जो चाहिए था हम ले आए हैं ना, रख लेंगे। आ गए तुम दोनों वापिस? मुझे समझ में नहीं आता है, तुम दोनों भाई बहन मुंह उठा के यहाँ क्या करने चले आते हो? क्या कोई प्रसाद बट रहा है क्या? बाबूजी, मैं तो यहाँ आंचल को बस छोड़ने आया था। देखो, मैं तुम्हें 100 बार कह चुका हूँ, जब तक हमें जो चाहिए वो तुम नहीं देते, तब तक आंचल को यहाँ इस घर में कोई जगह नहीं है। और अपनी बहन के लिए इतनी छोटी सी रकम का तुम इंतजाम नहीं कर सकते क्या? माँ जी, इंतजाम हो गया है, ये देखिए मैं पूरे पैसे लाया हूँ। ये हुई ना बात, अपनी बहन के लिए एक भाई का प्यार। चलो बेटा, चलो अंदर, चलो अंदर। तो तुम सब जाओगे जेल में, दहेज लेने और देने के जुर्म में। कौन 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 है आप लोग? CID। CID? शर्म नहीं आई तुम्हें? एक औरत होकर एक औरत को परेशान करती हो दहेज के लिए? कहाँ परेशान कर रहे हैं, वो गिरीश बेटा खुशी खुशी पैसे दे रहा है। वो खुशी खुशी पैसे दे रहा है और आप लोग खुशी खुशी पैसे ले भी रहे हैं। सर, मैं तो अपनी बहन का घर बसाने के लिए बस ये थोड़े से पैसे दे रहा था सर। सर, ये बेचारी तो अपनी जान देने पे तुली थी। आंचल, आंचल, तू अपने कमरे में है? आंचल, 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 ये क्या हो गया मेरी बहन? आराम से रुक, लेट। तू ठीक है? हाँ, तू ठीक है? ये क्या किया, क्या किया तूने? ये पागल, रुक रुक रुक। अच्छा रुक, तू आराम कर, मैं पानी लेके आया। पानी पी। हाँ।
आराम से। तो ठीक है चली थी। अपने भाई को छोड़ के जाना चाह रही थी तू? जिसका पति शादी के तुरंत बाद अपनी पत्नी को छोड़ दे, मेरे जी के क्या करेंगे? अरे पागल, इसमें तेरी क्या गलती है? हाँ, ये तो सारी गलती मेरी है ना, नहीं तेरी शादी में दहेज नहीं दे पाया। भैया, वो सब मिलके आपके जान लेंगे क्या? जितना देना था आप दे दिए ना। नहीं, अभी 3 लाख रुपए बाकी है, और अभी 3 लाख रुपए देते ही ना वो तुझे अपना लेंगे, मुझे भरोसा है। लेकिन इतने सारे पैसे आप लाएंगे कहां से? लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। बस 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 तू मुझसे वादा कर, तू मुझसे वादा करके ऐसा कभी नहीं करेगी। अपने भैया को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा भैया, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बहन का घर बसाने के लिए तुमने टीना और स्नेहा की जिंदगी छीन ली, दोनों का खून कर दिया तुमने। क्या खून? हाँ, अरे नहीं नहीं सर, मैंने मैंने कोई खून नहीं किया सर। नहीं नहीं सर, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। हाँ सर, मैंने मैंने कोई खून नहीं किया सर, सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कोई खून नहीं किया है सर। सर ट्रीना मैम को मैंने बस एक मास्टर की दी थी सर, और उसके बदले उन्होंने मुझे पैसे दे दिए 3 लाख रुपए। सर मैं सच कह रहा हूँ, और ये स्नेहा को ने सर मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो तुमने वो मास्टर की ट्रीना को दी थी? जी सर, रिसोर्ट के टेरिस पे। ये रहे 3 लाख, ये लीजिए। सर इसका मतलब जो 3 लाख रुपए चोरी हुए थे वो ट्रीना ने चुराए थे मास्टर की के लिए। पर सर हमें पूल पे, टेरेस पे या ट्रीना की लाश के पास कोई चाबी मिली नहीं। सर इसका मतलब वो मास्टर की अभी भी खूनी के पास है। ट्रीना को मारने के बाद खूनी ने उस मास्टर की का इस्तेमाल किया स्नेहा को मारने के लिए। मतलब ये हुआ कि खूनी ने ट्रीना का इस्तेमाल किया मास्टर की के लिए, और अब वो मास्टर की खूनी के पास है। ये खूनी करना क्या चाहता था? कारपेट पर ये जो खून है वो इस स्नेहा के खून के साथ मैच हुआ है, और हाँ कारपेट पर खून के साथ साथ मुझे जहर के अंश भी मिले। जहर के? बहुत ही खतरनाक जहर, इतना खतरनाक कि जरा सा भी अगर जबान पे लग जाए इंसान की तुरंत मौत। ओ, मतलब उस कमरे में किसी को जहर देने के लिए वो मास्टर की गायब की गई थी। तो क्या सालों के साहब स्नेहा की मौत जहर देने की वजह से हुई है? नहीं, जहर से नहीं हुई, इसकी मौत इस फ्लावर वास से ही हुई है, और ये जो खून है ये स्नेहा का ही है। तो फिर सर कमरे में जहर क्या कर रहा था? जहर क्यों था ये खोजने वाली बात है, लेकिन एक बात मुझे लगता है ये जहर अचानक वहां पर गिरा है, किसी ने प्लान करके वहां पर रखा नहीं। मतलब जब स्नेहा का खून हुआ उस कमरे में तब वो जहर वहां पर गिरा होगा, वो जहर या तो स्नेहा के पास था या फिर उस खूनी के पास, और वो शायद किसी को देना चाहते थे। You're right. पर सर खूनी किसे मारना चाहता था? या फिर ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब, वो खूनी मास्टर की से दरवाजा खोलकर अमीषा के कमरे के अंदर गया, और वो शायद किसी चीज में जहर डालना चाहता था, मगर उस वक्त ये स्नेहा वहां पे पहुंची और सबूत मिटाने के लिए उसने स्नेहा पे हमला किया, इसे मार दिया, और शायद तब ये जहर कारपेट पे गिरा होगा। You're right. लेकिन सर खूनी किस चीज में जहर मिलाना चाहता था? ऑब्वियसली फ्रेडी खाने पीने की चीज में, कॉफी, कॉफी में। सर मगर कॉफी तो फर्श पे गिरी हुई थी, शायद खूनी को नहीं पता कि कॉफी गिर चुकी है। खूनी उससे मारना चाहता था जो उस कमरे में कॉफी पीने वाला था। सर वो कॉफी तो अमीषा और उसकी मम्मी पीने वाले थे, यानी कि खूनी उन दोनों को मारना चाहता था। दोनों या दोनों में से किसी एक को मारना चाहता था खूनी। एक काम करो, शादी में जितने भी मेहमान आए थे उन सबकी डिटेल्स निकालो, पता करो अमीषा या उसकी माँ की
इनमें से किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या, या कोई वजह थी मारने की? हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप सब देख लें कि वो खूनी कौन है। इसका मतलब खूनी यहाँ मौजूद है? हाँ बिल्कुल, वो भी आप सबका बहुत खास है। कौन है सर वो? टीना और स्नेहा दोनों का खूनी एक ही है। पहले उसने टीना को मारा, उसके बाद स्नेहा को। सब सब बताइए कि कौन है जिसने मेरी दोस्त और कजिन को मारा है? वही है जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। नहीं सर, नहीं हो सकता। सर ये झूठ है, मेरा तरुण ऐसा नहीं कर सकता। सर अरे क्या कह रहे हैं सर? सर सर तरुण कभी ऐसे नहीं कर सकता, कभी नहीं। सर मेरा विश्वास करिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा मैंने। सारे मुजरिम ऐसे ही बोलते हैं। जेल में जाके अच्छे अच्छे गाना गाने लगते हैं, समझे? निकलो सर। नहीं सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सर मेरी बात सुनिए, खुद नहीं हो सकता। हमारे पास सबूत है। लेकिन सर अच्छा हुआ ये सारी सच्चाई शादी से पहले पता चल गई। संभालो अपने आप को, तरुण ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरे विश्वास को खत्म कर दिया। मॉम मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और माँ मुझे यहाँ से लेके चलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज। हाँ बेटा, हम कल सुबह ही चले जाएंगे यहाँ से। आप सब भी चलिए, अब ये शादी नहीं होगी। चलो बेटा। दूल्हे को पकड़ लिया तो ये केस खत्म ना? हम तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, इसीलिए हमने तरुण को पकड़ने का ड्रामा किया। तरुण तुमसे कुछ काम है? देखो हमें ना किसी पे शक है और हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना है। कौन है सर? वो हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते, मगर उसे सामने लाने के लिए हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा सबके सामने। ओके सर। ठीक है चलो, अपना मुखड़ा दिखाओ सबको, ये घूंघट हटाओ। काजल तुम? आंटी वैसे ना आपको मुझे एक महंगा सा गिफ्ट देना चाहिए। अमीशा और तरुण को मिलवाया तो मैंने ही था ना। एक सेकेंड ना। हेलो। हाँ तुम टेरेस पे आ जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। हाँ मैं आती हूँ। स्नेहा तू चल, मैं आती हूँ। ये रही तुम्हारी मास्टर की।
थैंक्स रीना। एनीथिंग फॉर यू। अब तुम अपना बदला ले सकती हो। मार दो अमीषा को, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और ना ही कोई सबूत मिलेगा। और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद तो कोई सबूत बचेगा ही नहीं। आंटी, आंटी वो ट्रीना, ट्रीना को क्या हुआ? आंटी वो मर गई। अरे स्नेहा, मुझे लगता है मैं कबर्ड शायद खुला छोड़ाई हूँ, जाके चेक कर ले प्लीज। ओके आंटी। कॉफी तो गिर गई है, अब मैं ये जहर किसमें मिलाऊं? जहर? अरे स्नेहा, क्या कहा तूने? क्या जहर? क्या नहीं, क्या बोल रही थी? कुछ भी नहीं। और ये हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। इस हाथ में क्या है? नहीं। क्या छुपा रही है? ये क्या है? चाबी तो मेरे पास है, तू अंदर कैसे आई? तू रुक, अभी आंटी को बताती हूँ। मैं तरुण से प्यार करती थी। तुम उससे? अमीषा ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। प्यार के लिए कोई किसी का खून नहीं कर देता काजल। ट्रीना ने तो तुम्हारी मदद की थी, तुमने उसे क्यों मार डाला? क्योंकि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। जुर्म के रास्ते पे चल के कभी कुछ हासिल नहीं होता काजल, ना प्यार ना सम्मान। अब जेल में बैठ के अपने किए पे पछताते रहना, तब तक फांसी का ऑर्डर भी आ जाएगा। नहीं सर, I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए काजल, प्लीज मुझे माफ कर दो काजल। आंटी, I'm so sorry। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.